आई थिंक देयर इनिशिएटिव इज़ एब्सोल्युटली सुपर्ब. जो ट्रैफिक पुलिस का ये इनिशिएटिव है सेफ्टी वीक का, ये एक वीक वो इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि साल भर हमें ये शिक्षा मिलती रहे कि हमें क्या क्या करना है. यू नो, वो तो साल भर हमारी मदद करते ही रहते हैं, वो बेचारे हमेशा 24 घंटे काम करते रहते हैं. बट ये अवेयरनेस वीक का जो अवेयरनेस वो करना चाहते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है कि साल भर हम उसका पालन करें. ट्रैफिक रूल्स आर नॉट मेंट टू बी ब्रोकन, दे आर मेंट टू बी फॉलोड. ये हम सबके लिए रूल्स है. अभी सर बता रहे थे कि हेलमेट लोग पहनते नहीं हैं, वो सोचते कि मेरा चेहरा ख़राब हो जाएगा, मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे. भैया आपका सर ही नहीं रहेगा तो बाल लेके क्या करोगे, है ना? तो हेलमेट पहनिए. और ये जो गलतफहमी है लोगों की कि हाईवे पे हेलमेट पहनना चाहिए, गली में नहीं, हेलमेट आपके लिए है, गली या हाईवे के लिए नहीं है. तो ये कुछ रूल्स है, वो प्लीज़ फॉलो कीजिए. वो बेचारे यू नो इतने मेहनत करते रहते हैं, इतना दिल से हमें बताने की कोशिश करते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, लेट्स फॉलो दोज रूल्स, द रूल्स आर फॉर अस. थैंक यू. रोड सेफ्टी के अंतर्गत एक पथ नाट्य का सादरीकरण किया गया. ये जो महिला ट्रेनिंग सेंटर के कैडेट थे, उन्होंने आज यहाँ पर जो पथ नाट्य किया, उसमें रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं, तो एक्सीडेंट में होने के जो जख्मी इंसान को तुरंत हॉस्पिटल में पहुँचाने के लिए लोगों में जन जागृति होना चाहिए. तो ये लोग एक्सीडेंट देखते हैं, खाली उनका फ़ोटो निकाल के निकल जाते हैं. पुलिस के डर से उनको वैद्यकीय सुरक्षा, वैद्यकीय जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो मिलता नहीं. तो ये पथ नाट्य के जरिए हम जनता में एक संदेश पहुंचाना चाहते थे. आज से आप ये अभियान चालू किया है 7 दिन के लिए. उसमें ट्रैफिक के जो 10 नियम हैं वो बैनर पर हमने जगह जगह पर जंक्शन पर लगाए हैं. उससे उसमें एक संदेश हम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जन जागृति करना, ये हमारा ये उद्देश्य है यहाँ पर. उसी तरह आज माला ट्रैफिक चौकी में हमने टैक्सी चालक और अपना रिक्शा ड्राइवर इनकी आँखों की जो मुफ्त में जांच करने का एक कैंप आयोजित किया है, मेडिकल कैंप. उसमें उनको उनकी जाँच मुफ्त में की जाएगी और उनके जो नंबर के तहत उनका चश्मा प्रदान किया जाएगा, ताकि ड्राइविंग करते समय उनके हाथों से अपघात ना हो. ये हमारी उसमें एक अच्छी संकल्पना है. वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा दे के अपना एरिया है उनको अपघात जीरो टॉलरेंस, एक्सीडेंट ना होने के लिए जितने भी कोशिश करना है वो हम